वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। थाना सधना के खिरवा क्षेत्र से 307 के एक आरोपी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आरोपी हथियारों के साथ रील्स बनाता हुआ दिखा। बता दें, ये सारा मामला दो पक्षों के विवाद का है जो काफी समय से चला रहा है। विवाद में अलीशाबाद नामक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को गोली मारी थी और अब पीड़ित परिवार को हथियार दिखा दिखा कर खत्म करने की धमकी दे रहा है। कभी रील्स के बहाने हथियार दिखाता है तो कभी व्हाट्सएप स्टेटस पर हथियार के साथ फोटो लगाकर परिवार को डरा धमका रहा है। इसके बाद भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। पीड़ित सुरक्षा की गुहार लगाते हुए SSP ऑफिस पहुंचा और कार्रवाई की मांग की। देखिए पीड़ित से मिली जानकारी। मेरा नाम शहजाद है। क्या हुआ मामला? एक वीडियो आप लिए घूम रहे हो, क्या है पूरा मामला? मेरे भाई के 2 महीने पहले गोली मारी थी मीसम के और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और सोशल मीडिया पे फोटो डाले हुए हथियारों के साथ, डरा रहे हमें, धमका रहे कि तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे। अभी पिछले 22 तारीख में भी उन्होंने हमला करा प्रधान जी के घर पर, उसमें भी उन्होंने गोली चलाई और उसके हसन मेहदी के गोली लगी उसमें, उसमें भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई कुछ। तो वे हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें 4-5 को मारना और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं है। किस लिए धमकी दे रहे हैं, क्या विवाद है आप कौन से? विवाद यह है जी, उनने आत्महत्या खुद करी थी लड़की के मैटर में, उसने अपने आप गोली मार ली थी। उसमें उन्होंने पुलिस ने, थाने वालों ने तो बहुत मदद करी मगर उन्होंने जांच बदलवा दी थी। जांच बदलवाने के बाद वो हापुड़ जांच चली गई, उसमें उन्होंने हापुड़ थाने वालों ने चार मुरली बना दी। उसमें वो मरा खुद था, आत्महत्या करी थी उसने खुद। कौन से थाने का मामला? थाना सरदना का मामला है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं करी, 6 फरार रही है, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जिसकी वीडियो है वो कौन है? वे अरूज नाम है, वो कामिल का लड़का है खिरवे का और वह आरोपी है। वो भी वो आरोपी है, उसने मीसम के गोली मारी थी। कौन है मीसम? मीसम मेरा भाई है, चाचा का लड़का। 2 महीने हो गए गोली मारे हुए, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने लोग नाम जाते हैं? 6 नाम है। उन्होंने पहले पिटा था उसे, मारा और फिर उसके गोली मारी। क्या कोई रंजिश थी? बता दिया रंजिश तो मैंने जो थी। अब आप कहाँ पर आए हो? हम SSP साहब के पास आए हैं, उनसे विनती करेंगे हम इन आरोपियों को गिरफ्तार करें। और ये उनके फोटो हैं, आप सब देख लो। कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक? कोई भी गिरफ्तार नहीं है, जान का खतरा। वे करें 5-6 मारेंगे इनके। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नव युगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा, गढ़ रोड, मेरठ।